السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخدة من لساني يفقه قولي سورة الهجرات آية نمبر 11 سي. يا أيها الذين آمنوا ए वो लोगो जो ईमान लाए तो अब हम सब लोग ज़रा कान खोल कर सुने दिल लगा कर सुने क्योंकि अल्लाह ताला का कोई हुक्म आने वाला है ईमान वालों के लिए और वो क्या हुक्म है ला स्र ईमान वालों ना मजाक उड़ाओ किसका मजाक ना उड़ाए मन मिन खो मिन एक कौम दूसरी कौम से यहाँ पर कौम से मुराद कौम का मतलब यहाँ पर मर्द दूसरे मर्दों का मज़ाक ना उड़ाएं और क्यों ना उड़ाएं उसका रीज़न भी इसी आयत में बता दिया असा शायद आई यकूनू के हो वो लोग खैरन बेहतर मिन हम उन से जिनका तुम मज़ाक उड़ा रहे हो हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो तो यहाँ पर अल्लाह ने ईमान वालों को फ़रमाया कि ना मजाक उड़ाए और इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे औरतों का भी जिक्र फ़रमाया वला नसाउन और ना औरतें मजाक उड़ाएँ मिन निसाई दूसरी औरतों से असा शायद आई कि हो वो औरतें खैरमिन मिनहुन्ना बेहतर उनसे तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें आदाब सिखाए हैं ये मैनर्स ये आदाब ख़ुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं जब एक मजलिस में हम हो जब एक गैदरिंग में हम हो या हम किसी के साथ भी कोई मामलात कर रहे हैं तो हमारे आदाब किस तरह होना चाहिए कि मजाक ना उड़ाए। और देखें इंसान मज़ाक कब उड़ाता है जब वो अपने आप को बेहतर समझता है और आगे वाले को सामने वाले को कमतर समझता है अपने आप को बेस्ट समझता है और आगे वाले को हकीर समझता है तो तब ही वो मज़ाक उड़ाता है ऐसे कभी नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि कोई इंसान अगर हकलाता है तो वो दूसरे हकलाने वाले इंसान का मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि वो कमी उसमें है उसको पता है कि ये कमी मुझ में है तो वो दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा इसी तरह एक इंसान अंधा है वो दूसरे अंधे इंसान का मजाक नहीं उड़ाता इंसान मजाक जब ही उड़ाता है जब उसको ये फीलिंग होती है जब उसको ये पता चलता है कि मैं बेहतर हूँ मैं बेस्ट हूँ मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ और जो सामने वाला है वो हकीर है उसको लेट डाउन करने के लिए उसको नीचे दिखाने के लिए मजाक करते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है और अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोले और अल्लाह ताला हमारे दिलों में ये बात बिठा दे हमारी असलाह हो जाए हमारी मजलिसों की तरफ आप देख लें अल्लाह ताला माफ करें अल्लाह ताला देखता है कि हमारी मजलिसों में हमारा क्या रवैया होता है कोई भी गैदरिंग ले लें गेट टुगेदर छोटी सी ही क्यों ना हो फैमिली में हो फ्रेंड सर्कल में हो किस तरह सब एक तरफ होकर किसी एक इंसान का कैसा मज़ाक उड़ाते हैं कभी किसी के ख़ानदान को निशाना बना देते हैं और ख़ानदान का मजाक उड़ाते हैं कभी किसी के लहजे का मजाक उड़ाते हैं कभी किसी के रंग का कभी किसी की शक्ल का यहाँ तक कि सुबहान अल्लाह माफ़ करे कि किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं किसी ने अगर हिजाब लिया है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी इंसान मजलिस में जब होता है तो वो कभी ना कभी किसी न किसी तरह दूसरे को हकीर दिखाने के लिए उसका मजाक उड़ाता है तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा दिया देखो तुम जब किसी का मजाक उड़ाते हो तो इस बात को याद रखो हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो अल्लाह की नज़र में अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा मर्तबा हो तो फिर क्या ये बात सही होगी उस शख़्स की अगर वो उसका बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह के यहाँ है और हम यहाँ बैठ के उसका मजाक उड़ाना हो सकता है क़ियामत वाले दिन उसको बहुत बड़ा दर्जा है अल्लाह ताला उसको बहुत बर, बड़ा दर्जा अता फ़रमाए तो हमें नहीं पता हम किसी का भी मज़ाक नहीं उड़ा सकते और ये आदाब अल्लाह ताला ने ख़ हमें सिखाए हैं किसी को अपने से कमतर समझना किसी को अपने हक़ीर समझना चाहे उनके वो स्टेटस में हो या उनकी बोलचाल में हो यहाँ तक के अल्लाह वाले बंदे भी लोगों को नेक बंदे भी दूसरों को हक़ीर समझते हैं कि जब ख़ुद पांच वक्त की नमाज़ पढ़ने लगते हैं क़ुरान पढ़ने वाले हैं नमाज़ पढ़ने वाले हैं इबादत गुजार है तो अब वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं दूसरों को हक़ीर समझते हैं तो हमें यहाँ एहतियात करना चाहिए कि पता नहीं आज मैं इसका मज़ाक उड़ा रही हूँ पता नहीं अल्लाह के यहाँ इसका बहुत दर्जा हो और इस तरह भी आ, बात आई है कि कोई इंसान इस दुनिया में अपनी कोई बात किसी से अगर पूछे या कोई मांगे तो हो सकता है उसकी वो बात ना मानी जाए हो सकता है इस दुनिया में उसकी कोई ख़दर वीमत ना हो लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बहुत ही ज़्यादा ख़दर व क़ीमत है अल्लाह ताला के यहाँ उसके पास इतने दर्जे हैं कि जब वो अल्लाह ताला से मांगता है कोई चीज़ तो अल्लाह उसकी उस बात को पूरा करता है और दूसरी बात देखें कि जब किसी का मज़ाक उड़ाते हैं तो इतना उसको बढ़ चढ़ के उसको इतना इतनी बातें उसको कह देते हैं ना अगर वो आगे बढ़ के कुछ कह भी दे या वो माइंड कर ले उस बात को उसको बुरी लगी हो वो बात या वो रो दे या कुछ भी हो तो अब इतनी आसानी से कहते हैं कि ये लो तुम तो मजाक भी नहीं समझती मैं तो बस मजाक ही कर रही थी ये लो तुमसे मजाक करना ही ग़लत है अब आइंदा से तुमसे मजाक ही नहीं करेंगे ये बड़ा अच्छा रहा जो कुछ दिल में था दिल की सारी भड़ास मजाक कह के सब कह दो और बाद में उसके बाद आराम से बच निकलो कि बस मजाक ही तो कर रही थी ये बहुत सारी आप लोगों में देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे तंज़ वाले अल्फाज इतने ह्यूमिलेटिंग वर्ड्स कह देते हैं और बाद में आराम से कह देते हैं मजाक कर रही थी सीरियस मत लेना तो मज़ाक अल्लाह ताला ने यहाँ पे मना फरमाया कि मजाक ना करें किसी का मजाक ना उड़ाएं। देखें कर सकते हैं लेकिन ऐसा मजाक करें जिससे किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे किसी को आप कमतर करके ना दिखाएं, किसी को हकीर ना समझें ऐसा मज़ाक करें इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन वो मज़ाक जिससे किसी का दिल छल नहीं हो रहा है तो ऐसे मज़ाकों से इस इस तरह किसी का मजाक उड़ाना उससे परहेज़ करना चाहिए और दूसरी बात आप देखिए इस जिसम में अगर कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, चेकअप्स भी करवाएंगे, इसका इलाज भी करवाएंगे, और जो भी परहेज़ होगा वो सारा परहेज़ करेंगे और इतने केयरफुल रहते हैं कि ये बीमारी कहीं बढ़ ना जाए ये बीमारी कहीं लग ना जाए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, और जिस तरह डॉक्टर कहेगा उस तरह पूरा परहेज़ करेंगे दवाई टाइम पे खाएंगे क्यों क्योंकि चाहते हैं कि सेहत ना ख़राब हो तो इन जिसम की बीमारियों का इतना हम ख्याल रखते हैं ये अखलाक़ी बीमारियाँ हैं किसी का मजाक उड़ाना और इस आयत में हम आगे और देखेंगे ऐसी अखलाकी बुराइं बताई गई हैं ये दिल की बीमारियाँ हैं अखलाक़ी बीमारियाँ हैं अगर इन बीमारियों का इलाज ना करें, तो ये बीमारियाँ हमें हमारी नेकियाँ खा जाएंगी हमारी नेकियाँ बर्बाद हो जाएँगी और याद रखें अल्लाह ताली क़्यामत वाले दिन हमारे चेहरे नहीं देखेगा अल्लाह ताली दिल देखेंगे तो हमें चाहिए कि ये दिल को हम साफ़ रखें ये दिल को हम साफ़ करें वही इंसान मज़ाक उड़ाता है दूसरे का जो दूसरों को अपने से कमतर समझता है जैसे मैंने अभी बताया कोई इंसान अगर हकलाता है तो वो दूसरे इंसान जो हकलाता है उसका कभी मज़ाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि उसमें वो ख़ामी है जब उसमें वो चीज़ है तो वो दूसरे में मज़ाक नहीं उड़ाता है दूसरे इसी तरह अगर कोई अंधा है तो एक अंधा इंसान दूसरे अंधे इंसान का मजाक नहीं उड़ाता मजाक इंसान कब उड़ाता है जब अपने आप को समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा अखलमंद हूँ मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ मैं सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ और आगे वाला इंसान इसको हकीर लगता है आगे वाला इंसान इसको कम सा लगता है तो तभी मज़ाक उड़ाते हैं अब ख़ुद अपने आप को इतना अख़लमंद समझते हैं कि सारे लोग उसको बेवकूफ़ लगते हैं अपने आप को इतना ख़ूबसूरत समझते हैं कि अब सारे लोग उनको बदसूरत नज़र आते हैं अपने आप को वो इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं इतना अपने आप को हुनर यानी हुनरमंद समझते हैं और बाक़ी के सब लोग हकीर कीड़े मकोड़े लगते हैं तो मज़ाक इंसान उसी वक्त ही उड़ाता है जब अपने आप में उसको लगता है जब तकबर होता है ना इंसान में तकबर बड़ाई होती है तो इस बड़ाई में फिर वो आगे बढ़ के लोगों को मजाक के ज़रिए उनका मज़ाक उड़ा के उनको ज़रील करता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मजलिसों को इस बीमारी से पाक रखें हम इवन बच्चों के साथ भी हम इस तरह उनका मजाक ना उड़ाएं। माँ बाप ख़ुद बच्चों का मजाक उड़ाते हैं अल्लाह जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उनके दिल को छलनी कर रहे हैं और फिर वो चीज़ जब उनमें पाइलप होती है उनके दिल में ये चीज़ बढ़ बढ़ के फिर वो आगे जाके फिर इसका बहुत ख़तरनाक अंजाम होगा इसका या तो फिर वो उसमें उनमें हसद आ जाएगा फिर उनमें अख्तलाफात पैदा होंगे दुश्मनियाँ बढ़ते हैं इससे नफ़रतें बढ़ती हैं एक मज़ाक देखें आप कहाँ तक ले जाता है तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सब अल्लाह के बंदे हैं हम कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हैं अपने हम खुद अपनी तरफ़ देखें कितनी सारी बुराइयाँ हम में ख़ुद में हैं जब हम ख़ुद ही बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं तो किसी पे क्या हम उंगली उठाएंगे किसी का क्या हम मजाक उड़ाएंगे फिर अल्लाह ताला का दूसरा हुक्म वला तलमिसु अनफुसकुम और आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ यानी लोगों को ऐब ना लगाओ ताने ना दो उनको और ये भी कितना आम है आप देखें कितना ढूंढ़ ढूंढ के चुन चुन के लोगों में ऐब निकालते हैं किसी को देखेंगे तो किसी को आ, आ, कहेंगे कि ये तो उसका रंग कम है किसी को देखेंगे तो यानी आप देखें इवन जो रिश्ते लेकर जाते हैं बड़ा अफसोस होता है रिश्ते लेकर जाते हैं और उस लड़की को देख कर आके उसमें इतने ऐब निकाल कर आते हैं अल्लाह कि और उस लड़की को भी बताते हैं उस लड़की के माँ बाप को भी बताते हैं कि ये ये चीज़ आपकी बेटी में ये ऐब है तो हम ये रिश्ते से इनकार करते हैं और ये ऐब आप जब किसी में निकालते हैं किसी भी इंसान में चाहे वो उसके रंग को लेकर हो चाहे उसके खद को लेकर हो उसकी आँखों को लेकर उसकी नाक को लेकर जो भी है ऐब जब निकालते हैं तो अब आप बताएं कि ऐप जब हम निकाल रहे हैं तो हम किस पे शिकवा कर रहे हैं किस पर उंगली उठा रहे हैं वो शख्स खुद अपने आप के तो यानी आँख नाक नहीं बनाए ना उसने ख़ुद अपने ख़त को इस तरह छोटा या छोटा ख़त खुद अपने आप से तो नहीं बनाया ये अल्लाह ताला की तख्लीक़ है अल्लाह ताला जिसे चाहे जैसे बनाए और आप आगे बढ़ के किसी इंसान को इतनी आसानी से कह देते कि वो इतनी बदसूरत है उसके दांत इस तरह निकले हुए हैं उसकी नाक इतनी चपटी है उसका ख़त इतना छोटा है इस तरह लोगों में हमें ऐब नहीं ढूँढने चाहिए ये भी अल्लाह ताला को नहीं पसंद और ताने देना ताने देने में भी बड़ा अपने आप को लोग समझते हैं बड़ी फ़खर वाली बात है कहते हैं मैं तो किसी के पीठ पीछे तो नहीं कहती ना मैं तो बिल्कुल मुँह पे बताती हूँ बात बिल्कुल मुँह पे मैं सच सच कह के आती हूँ तो ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है कि आप मुँह पे जो कह देती हैं ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप मुंह पर कहकर आती हैं और उस इंसान को आप तकलीफ़ दे के उसको छ उसके दिल को छलनी करके उसकी बेज़ती करके आके आप कहती हैं कि आपने बड़ा कारनामा किया कहते हैं कि लोग तो पीछे बातें करते हैं ना मैं तो सामने सुना कर आती हूँ तो लोगों को ताने नहीं देना मोमिन ताने देने वाला नहीं होता है सही बुखारी की हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो कोई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खैर की बात कहे वरना फिर वो खामोश रहे। तो ज़रा चेक करें बात करने से पहले कि जो मेरे मुँह से जो अल्फाज निकल रहे हैं अगर ये बेस्ट है ये बेहतर है तो कहें नहीं तो फिर चुप हो जाए जो लोग ज़्यादा बात करते हैं ना बातें करते हैं तो अक्सर उनसे ये गलतियाँ हो जाती हैं कि ज़्यादा बात करने में फिर पता ही नहीं चलता कि क्या बात कर रहे हैं तो या तो खैर की बात करें या तो चुप हो जाए तो यहाँ अल्लाह ताला ने मना फ़रमाया कि ना किसी के ऐप लगाओ किसी को कोई ऐप ना लगाओ और ना ही किसी को ताने दो और कुछ लोगों की फ़ितरत आप देखेंगे कि वो जब भी किसी को देखेंगे तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती कि वो लोगों में बस बुराइयाँ ही ढूंढ के निकालते हैं लोगों में ऐप ढूंढ के निकालते हैं उनको कोई दूसरों में अच्छाई नज़र आती ही नहीं है बिल्कुल एक गंदी मक्खी की तरह जिस तरह गंदी मक्खी जाके गंदी चीज़ों पर बैठती हैं कुछ लोग इस तरह गंदी मक्खियों की तरह होते हैं उन्हें लोगों की बस बुरी बातें उनके में जो ऐब हैं जो बुराई हैं वही नज़र आती हैं शहद की मक्खी की तरह नहीं होते हैं कि बस अच्छाई देखें अच्छाई पर जाके बैठें जिस तरह शहद की मक्खी आप देखें किस तरह रंग बिरंगे मुख्तल फूलों पर खूबसूरत फूलों पर जाकर बैठती है और इसी तरह एक आप मक्खी को देखें कि हर जगह गंदगी पर ही जाकर बैठेगी तो कुछ लोग बिल्कुल इस गंदी मक्खी की तरह होते जहाँ जाएंगे जिससे भी मिलेंगे सुखान अल्लाह उनको उनमें ऐ भी नज़र आएगा ऐ भी टटोलेंगे उनमें उनमें से बुराइयाँ ही ढूंढ के निकालेंगे अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसी आँख ऐसी नज़र दे कि हम अपने मोमिन भाइयों में बस अच्छाई देखें पिछली आयत में हमने सीखा है ना मोमिन किस तरह होता है अपने मोमिन भाई से मोहब्बत करता है तो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर उनमें आपको बुराइयाँ नज़र नहीं आती तो हमें लोगों में ऐप नहीं ढूंढने चाहिए काश ये बात हमें समझ आ जाए लोगों में ऐप ढूंढने से लोगों में ऐप निकालने से बेहतर हम वो वक्त अपने आप पर लगाएँ अपने आप में ऐप ढूंढें अपने में जो गलती हैं उसको निकालें ढूंढ के उस पर काम करें उसको सुधारने की कोशिश करें अपनी तो कोई फिक्र है नहीं बस लोगों के लिए चल पड़ते हैं कि हर किसी में उनकी बुराइयाँ ढूंढेंगे और सारे जहाँ में ढिंडोरा पीटते फिरेंगे ऐप निकालते रहेंगे तो ज़रूर इस बात की कोशिश करें कि किसी पर ऐप ना निकालें किसी के ऐप ना ढूंढें और फिर अल्लाह ताला ने फ़रमाया वला बजु बिल और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो एक दूसरे को बुरे अलखाब से ना पुकारो देखिए अलखाब जब हम किसी को पुकारते हैं किसी का नाम पुकारते हैं तो अच्छे अलखाब भी होते हैं पुकारते हैं जब तो अच्छे अलखाब से भी पुकारते हैं बुरे अलखाब से भी पुकारते हैं तो यहाँ पर अल्लाह ने बुरे नामों से लोगों को पुकारने से बुरे अलब रखने से मना फरमाया है जैसे किसी को कह दें कि ये तो मुनाफिक है ये तो काफिर है ये तो फ़लाँ इस तरह है ये तो इसकी माँ इस तरह थी इसका बाप इस तरह था इसका ख़ानदान इस तरह का है तो यानी किसी को उनके ऐसे नामों से पुकारना जिसका सुनना उस शख्स को पसंद ना हो उसको बुरा लगे सुनकर, कि ये मुझे क्यों इस तरह पुकार रहे जिसका उसको पसंद ना आए लेकिन ऐसे अलखाब अच्छे अलखाब से आप किसी को पुकार रहे हैं और उसको कोई एतराज़ ना हो उस बात से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन ऐसे नामों से पुकारना ऐसे अलखाब से जिससे उस शख़्स को बुरा लगे तो अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमाया कि इस तरह ना पुकारो ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमें समझ आई है कि लोगों को बुरे नामों से नहीं पुकारना चाहिए जैसे किसी को ए लंगड़े ए काले पता नहीं अजीब अजीब से नाम रख देते हैं इवन माँ बाप भी बच्चों के नाम इस तरह से रख के पुकारते हैं बुरे नामों से पुकारते हैं तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से यहाँ पे मना फरमाया बे असल इस मुल्फ़सूख व बादल ईमान ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुना है यानी अल्लाह ताला ने फरमाया बुरी सिफत और बुरा नाम रखना गुना है अब आप ईमान ला लिए हैं आप दाए इस्लाम में आ चुके हैं इस आ जाने के बाद फिर से वो जाहलाना काम करना लोगों को बुरे नाम से पुकारना उनके बुरे अलखाब रखना ये बहुत ही ये फिस्क है कुफर के बाद फिस्क का दर्जा आता है तो ये बुरे नामों से किसी को पुकारना उनके अलखाब रखना ये फिस्क है अल्लाह ताला ने इसके बाद ये तीनों के तीन ज़िक्र किए हैं यहाँ पे, तीन बुराइयों के अखलाक़ी बुराइये जो बीमारियाँ हैं इनका जिक्र करके फरमाया वमलम तुब और जिसने तोबा ना की इन चीज़ों से तोबा ना की तो फिर वो कौन होंगे फ़ाउलई का हम तो यही लोग हैं जो लोग लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं लोगों को हकीर वो कमतर समझते हैं और अब तकबर में आकर हसद में आकर लोगों को यानि उनका मजाक उड़ाना और दूसरा किसी के ऐब ढूंढना, ताने देना और इसी तरह तीसरा लोगों को बुरे नामों से पुकारना उनके बुरे अलखाब से पुकारना ये सब फिस्क है और ये अगर इसे तोबा नहीं करे तो ये लोग हैं अल्लाह ताला ने इनको ज़ालिम कहा है और जुल्म क़्यामत वाले दिन अंधेरों में होगा अंधेरे किसको पसंद आते कोई अंधेरों में नहीं रहना चाहता घर में थोड़ी देर के लिए ही अगर करंट चला जाए और गुप्त अंधेरा हो जाए तो एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है ये जो करते हैं ये इस तरह वाले अमल मज़ाक उड़ाना ऐप ढूंढना लोगों में ताने देना बुरे नामों से पुकारना ये जुल्म है और येमत वाले दिन अंधेरे बनकर आएगा ऐसे बद अखलाक लोगों के लिए फिर क़्यामत वाले दिन ये सब अंधेरा बन जाएगा तो इन चीज़ों से तौबा करना है इखलास के साथ सच्चे दिल के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगनी कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गए हैं मुझे माफ़ फरमा दे शर्मिंदा हो अल्लाह ताला के सामने ये नहीं कि मज़े ले ले कर सबको बता रहे हैं कि मैं तो ना बड़ा लोगों को बड़ा मज़ाक उड़ाता हूँ मैं मुझे तो लोगों के नाम ऐसे मैंने रखे हैं लेकिन इंसान शर्मिंदा भी हो कि नहीं मैंने ये जो किया है ग़लत है और अल्लाह ताला माफ़ करे आज कल तो इस इन चीज़ों को लोग समझते हैं कि बड़े अच्छा यानी वो इंसान बड़ा जौली इंसान है बड़ा खुशदील इंसान है लोगों का यानी मज़ाक जो उड़ाता है लोगों को जो बुरे बुरे अलाब से पुकारता है तो लोग उसको बड़ा जौली इंसान समझते हैं हसमुख इंसान इन, समझते हैं जैसे आपने अगर देखा हो कॉमेडी शोज़ में भी देखें कि कॉमेडी शोज़ में किस तरह बड़े बड़े लोगों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं मज़ाक के नाम पर अल्लाह ने इसको फिस्क कहा है किसी का मजाक उड़ाना फिस्क है ये कुफ़र के बाद का दर्जा है फिस्क। अगर इससे तौबा ना की जाए तो क़्यामत वाले दिन ये लोग जालिम होंगे अल्लाह की नज़र में ये जालिम है तो ये बहुत बड़ी बड़ी अखलाक़ी बीमारियाँ हैं दिल की बीमारियाँ हैं इनका भी इलाज करना है इनसे परहेज़ करना है इनसे दूर रहना है, है। इनसे डरना है इनसे अपने आप को बचाना है सूरतुल हजरात आयत नंबर टवेल्व इस आयत में अल्लाह ताला तीन चीज़ों से मना फरमा रहे हैं क़ुरान ने जहाँ हमें इबादत करने का तरीक़ा सिखाया है जहनुम और जन्नत के बारे में भी हमें क़ुरान से ही पता चलता है इसी कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें अदब भी सिखाए हैं अल्लाह ताला ने ये मैनर्स हमें सिखाए हैं और इससे परफेक्ट मैनर कोई और हमें सिखा ही नहीं सकते ये सूरा सूरतुल हजरा हमें एटिकेट सिखाती है हमें एक अच्छा मोमिन एक अच्छा इंसान बनाती है तो इस आयत में आयत नंबर ट्वेल्व में भी अल्लाह ताला ने वो तीन चीज़ों का जिक्र फरमाया जो यानी जिसमें बहुत बड़ा गुनाह है पिछली आयत में जो हमने देखा था उसमें ऐसी बुराइए थी ऐसे गुनाह के काम थे जो इंसान सामने आगे बढ़कर दूसरे मोमिन के सामने उसके मुंह पर करता है लेकिन इस आयत में जो गुनाहों का ज़िक्र है जो अखलाकी बुराइयों के बारे में ज़िक्र है वो उसकी गैर मौजूदगी में वो मोमिन उसके सामने नहीं है, तो वो फिर भी किस तरह अपने उस मोमिन भाई की बुराइएँ करता है तो इन चीज़ों से हमें बचना है कि वो कौन से तरीक़े हो सकते हैं जिनसे हम उनकी पीठ पीछे भी बुराइयाँ करते हैं और अल्लाह ताला हमें ये आदाब सिखा रहे हैं तो सबसे पहली आयत यादीन आ मनुज तीबू अब अल्लाह ताला फिर ईमान वालों से फरमा रहे देखिए अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है एक एक बात को अल्लाह ताला ने सिखाया और हमें समझाया है कि देखो इस तरह ना करना देखो अगर इस तरह करेंगे तो तुम्हारे लिए इसमें नुकसान है देखो इसमें बहुत बड़ा गुना है इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जहन्नुम में ना जाएं अल्लाह ताला ने तो एक एक चीज़ हमें खोल कर बताई है तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे ए ईमान वालों देखिए अल्लाह ताला ईमान वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला ईमान वालों का नाम लेके फ़रमा रहे कि ए ईमान वालों बहुत सी बदगुमानियाँ जो है आ, उनसे बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है या अयुहदीन आमनु अ वो लोगो जो ईमान लाए इजतनबो इजतनाप करो कसीरम बहुत सी मिन बदगुमानियों से इन नबाद जन्नी और बिलाशुबा बाल जो बदगुमानियाँ होती हैं इस्म व गुनाह है तो अल्लाह ताला यहाँ अपने मोमिन बंदों को बहुत ज़्यादा गुमान करने से मना फरमाए हैं और गुमान क्या होता है सस्पिशियस हो जाना किसी के लिए तो उसमें गुमान का मतलब ये है कि अपनी खुदी से कोई चीज़ का फ़ैसला कर लेना अपनी खुदी से कोई कंक्लूजन पर चला जाना कोई कंक्लूजन ले लेना जैसे किसी इंसान के बारे में कोई राय क़ायम कर लेना कि ये इसी तरह होगी ये इसी ने किया होगा ये कभी नहीं बदलेगी इसने जानबूझकर किया होगा यानी खुद ब खुद गुमान कर लेना ख़ुद ब खुद एक राय क़ायम कर लेना सोच लेना कि ये इसी तरह हो सकता है तो गुमान वो ख्यालात है जो दिमाग में उठते हैं और अल्लाह इस पर भी गुनाह है, जो दिमागों में बातें उठती हैं अगर ये बात सही नहीं है तो इन बातों की भी पकड़ है और ये बात भी गुनाह गुनाह में शामिल होगी क्योंकि जब एक दफ़े इंसान के दिमाग में कोई बात आ जाए तो वो किसी ना किसी दिन फिर मुंह पर भी आ जाती है तो अल्लाह ताला ने वो फ़र्स्ट स्टेप को ही अल्लाह ताला ने रोक दिया कि देखो अब तुम ना किसी के बारे में कोई बदगुमानी नहीं करना कोई तुमने उनके बारे में बुरे थॉट्स नहीं लेकर आना उनके बारे में तुमने कुछ गलत राय नहीं क़ायम करना किसी के लिए अच्छा गुमान करना किसी के लिए अच्छा सोचना उनके अच्छी राय क़ायम करना ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है तो देखिए हम कितनी सारी नेकियाँ हम कमा सकते हैं कि हर इंसान के बारे में हम अच्छा सोचें कि नहीं ये बहुत अच्छी है ये ये हमेशा नेक काम करती हैं ये हमेशा सबके काम आती हैं हर किसी में अच्छाइए ढूंढे, हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए तो हर अच्छा गुमान करना ये भी नेकी है तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फ़रमाया कि कुछ बदगुमानियां जो है वो गुनाह है, इसका मतलब हर गुमान गुना नहीं होता कुछ गुमान अच्छे भी होते हैं ठीक है जैसे हर मोमिन को चाहिए कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें अल्लाह ताला से बुरा गुमान नहीं रखना चाहिए तो इसी तरह कुछ गुन गुमान जो है बुरे भी होते हैं और ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये गुना है। इनसे बचना है जैसे आ, मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी है उसके मुंह से शराब की बू आ रही है आप फील भी कर रहे हैं कि इसने शराब पिया है लेकिन फिर भी आप उसको एक अच्छा गुमान रखें आप ये सोचें कि नहीं शायद इसको ना किसी ने ज़बरदस्ती पिला दिया होगा और इसने एक घूंट लेकर इसको थूक यानी फेंक दिया होगा अब ये नहीं कि यह है ही शराबी ये करता ही इसी तरह है इसको तो कभी अल्लाह ने माफ़ नहीं करना ये तो शुरू से ही मुझे लगता था कि यह इसी तरह करेगा नहीं इस तरह नहीं हमेशा अच्छा गुमान रखें कि नहीं नहीं शायद भूल गया होगा नहीं शायद किसी ने करा दिया होगा नहीं नहीं शायद यानी इस तरह आप अपने आप को तसल्ली दें और जब तक ख़ुद ना देख लें अपनी आँखों से या नहीं तो फिर कोई दो लोग जब तक गवाही ना दे दें किसी के लिए कोई राय क़ाय मत करें किसी के लिए बदगुमान ना हो कब तक जब तक ख़ुद अपनी आँखों से ना देख लें और कई दफ़े देखें कि कोई एक इंसान कुछ गलती कर देता है तो वो एक इंसान की वजह से सारों से बदगुमान हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि बज़ दफ़े कोई एक इंसान से चोट खाता है जैसे एक आदमी अगर किसी ने किसी का हस्बैंड उसके साथ अच्छा यानी रवैया नहीं रखता या उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया था तो अब वो क्या करते हैं सारे मर्दों से बदगुमान हो जाते हैं। कहते हैं कि सारे ही मर्द ऐसे हैं सारे ही मुसलमान ऐसे हैं तो इस तरह एक की वजह से सबसे बदगुमान होना ये भी सही नहीं है तो इस आयत से हमें पता चला कि कुछ बदगुमानी है जो है वो गुना है और इनसे बचना है तो जैसे ही हमारे जहनों में कोई जाल शैतान बुनने लगे किसी के भी लिए तो इमीडिएटली वहीं पे कट ऑफ़ कर दें और उनके लिए अच्छा सोचें बगैर दलील के बग़ैर किसी सबूत के किसी मुसलमान के लिए कोई बदगुमानी अपने दिल में ना पाले अब जो दूसरा हुकम है जिसे अल्लाह ताला ने मना फ़रमाया जो अख, अखलाकी बुराई है वला तजस्सु एक दूसरे की जासूसी ना करो एक दूसरे की टो में ना लगे रहो जो पर्दा है उस पर्दे को चाक करने की कोशिश ना करो स्पाई ना करो यानी एक दूसरे की टो में लगे रहना या यानी कोई एक ऐसा ऐब मिल जाए कोई एक ऐसी बात मिल जाए उसकी टो में लगे रहना ताकि उस बात को ले ले और फिर उसको ख़ूब बदनाम किया जाए तो किसी की तजस्सुस मत करो जासूसी मत करो और आप देखें ये भी कितना आम है और मुझे कहते हुए बड़ा अफ़सोस होता है कि मासूम छोटे छोटे घर में जो बच्चे हैं उनको उनके जहन भी हम ख़राब करते हैं उन छोटे छोटे बच्चों को भी तजस करना सिखाते हैं अगर पड़ोस वाले घर में कुछ मेहमान आए हैं उनके घर के आगे बहुत सारी गाड़ियाँ अगर खड़ी है तो वो तजस्स हम में इतना ज़्यादा हो जाता है कि पता नहीं उनके घर में क्या चल रहा है शायद कोई रिश्ता लेकर आए हैं पता नहीं क्या हुआ है और बच्चे को दौड़ाते हैं कि देखो ज़रा क्या मामला है देख तो आओ जिन बच्चों की तरबियत हमने करनी है जिन बच्चों को हमने अच्छे अखलाक सिखाने हैं उन बच्चों को हम तजस करना सिखाते हैं इसी तरह कई माएँ हैं जो अपने बच्चों को कहती हैं ज़रा जाओ देखो तो सही चाचा और चाची क्या बात कर रहे हैं ज़रा देखो तो सही दादी क्या कर रही थी क्या कह रही थी तुम्हारे अब्बू के बारे में कहीं तो घर के जो बड़े लोग हैं बुज़ुर्ग लोग हैं वो बच्चों के साथ इस तरह तजस्स करवाते हैं कि तुम्हारी अम्मा क्या कह रही थी आज मेरे बारे में अच्छा ज़रा मुझे ये तो बताओ अच्छा वो शॉपिंग करने गई थी तो क्या ख़रीद के लेकर आई हैं यानी अगर हम देखें ना हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तजस है और पता नहीं ये तजस से हमें हासिल क्या होने वाला है किसी के घर के अगर आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसमें हम फिक्रमंद हो जाते हैं कि पता नहीं इनके पास क्या चल रहा है किसी के घर से ज़रा ऊंची आवाज़ ही आने लगती है तो हम अपने घरों के दरवाज़ों में खिड़कियों में आकर खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं उनके घर में क्या चल रहा है वो हमें जानने की बड़ी फिक्र लग जाती है कोई अगर बाजार जाकर आई है तो बाज़ार से क्या चीज़ें लाई है उसके पीछे तजस अलग किसी का तलाक़ हो जाता है तो या अल्लाह इस माशरे में तो उसको तो बख्शा ही नहीं जाता है इतना कुरेद कुरेद कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तलाक क्यों हुई आखिर खुला हुई तो क्यों खुला हुई उन उन लोगों में किसी की औलाद नहीं उसके पीछे लग जाते हैं कि क्या वजह है किस में ख़राबी है शौहर में है बीबी में है इलाज कहाँ से चल रहा है किसी के एज के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है किसी की मियाँ की अगर तनख्वा के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारे शहर की कितनी तनख्वाह है आप देखें हम कितनी चीज़ों में तजस्सुस करते हैं क्या फ़ायदा है इसे कोई फ़ायदा होगा हमें रसूल सल्ला वसम ने फ़रमाया इस्लाम की खूबसूरती इसी में है लायानी बातों को छोड़ दें अगर अपने इस्लाम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो बातों को छोड़ दें जिस जिनसे आपको कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं है किसी के तलाक़ अगर हुआ है उसका अगर आपको रीज़न पता भी चल गया तो क्या फ़ायदा आपका होने वाला है अगर पड़ोस वाली घर में अगर बहुत सारे मेहमान आए हैं गाड़ियाँ हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है तो लोग इतना ज़्यादा तजस करते हैं लोगों की बातें सुनते हैं छुप छुप के उनके फ़ोन चेक करना अगर कहीं जा रहे हैं तो उनका पीछा करना और देखना कि ये कहाँ जा रहे हैं लोग कई दफ़े तो दूसरों के घर भी इसीलिए जाते हैं कि ज़रा जा के देख कर तो आऊँ कि क्या क्या नया सजावट की है या नहीं तो ज़रा जाऊँ किसी के घर और वहाँ की ख़बरें लेकर आऊं आऊँ इतनी ज़्यादा हमारी जिंदगियों में टो लगाना और तजस है और ये बात याद रखें कि जो शख्स मुसलमानों के ऐब तलाश करता है उनके ऐबों के पीछे रहता है तो अल्लाह ताला फिर उसके ऐब तलाश करता है और अगर फिर अल्लाह ताला किसी की ऐप तलाश करने में लग जाए तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स को उसके घर के अंदर ही रसवा कर देता है तो जो अल्लाह ताला के बंदों के पीछे हम लगे रहते हैं उनके ऐप ढूंढने में उनकी जासूसी करने में उनके पर्दे फाश करने में तो ये ना भूलें कि एक रब है जो उनकी इन गुनाहों पर उनकी इन बुराइयों पर पर्दा डाला हुआ है और हम आगे बढ़ के उस पर्दे को चाक करते हैं तो अगर हम किसी के साथ ये करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी यही मामला हमारे साथ करेगा तो याद रखें कि अगर कोई मोमिन में कोई बुराई दिखती है कोई उसमें चीज़ें इस तरह की है तो हमें तो ये सिखाया गया है कि उनकी इन चीज़ों पर, पर पर्दा डालें जिन चीज़ों पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है ना हम आगे बढ़ के उस पर्दे को फाड़ देते हैं लोगों को हम एक्सपोज़ करना चाहते हैं तो इस चीज़ से भी हमें परहेज़ करना चाहिए कि वला तजस किसी की ज़िंदगी में कुछ भी हो वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कितना ख़रीद के लेकर आए हैं क्या शॉपिंग किए हैं इससे हमें क्या हमें अपनी जिंदगियों में अपनी असलाह करना है अपनी चीज़ों में अपने बच्चों की तरबियत में अपने घर की सफ़ाइयों में अपने शौहर के या अपने माँ बाप के जो हकूक़ हैं उसको अदा करने में अपना वक्त लगाएँ दूसरों की फिक्र तजस्स में रहते हैं तो अल्लाह ताला ने यहाँ इसको भी मना फ़रमा दिया वला तजसु अगर ईमान वाले होना तो तजस नहीं करना अब तीसरा हुक्म वला यक तबादुम बदन और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करें अल्लाह ताला माफ़ फरमाएँ और ये तो दिन ही नहीं गुजरता होगा शायद हमारा जब तक हम किसी की गीबत ना कर लें और अल्लाह तहाँ फरमा लें कि ए ईमान वालों तुम में से कोई किसी की ना करें पहले हम देख लेते हैं गीबत है क्या और ये रसूल वसल्लम ने ख़ुद फरमाया जैसे हदीस में आता है अबू दाऊद की हदीस है हज़रत अबू ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ग़ीबत क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सुने ग़ौर से सुने तुम्हारा अपने भाई को इस तरह याद करना जिसे वह नापसंद करे यानी उसका ऐसा ज़िक्र करना उसकी कुछ ऐसी बात करना जब उसको पता चले तो उसको वो बात पसंद ना आए वह नापसंद करे तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अगर वो बात मेरे भाई में वाकई हो वो खराबी वाकई उसमें मौजूद हो जो मैंने बयान की हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया अगर उसमें वो खराबी मौजूद है जो तुमने बयान की तो तुमने उसकी उसकीबत की और अगर उसमें वो बात मौजूद ना हो जो तुम कह रहे हो तो तुमने उस पर बहुतान लगाया तिर्मिदी की हदीस है तिरमिदी में भी रिवायत किया गया है और दूसरी अहादीस में भी है तो गीबत क्या है कि जो उसमें है वो बुराई वो चीज़ उसमें है लेकिन फिर भी वो कि आप किसी और को जाके उसके बारे में बताते हैं और जब उसको इस बात का पता चले तो उसको पसंद ना हो ये बात तो ये गीबत है और अगर सिरे से वो बात उसमें है ही नहीं और जाके दूसरों को बता रहे फिर ये तो बहतान है बहतान लगाना है ये किसी पर और अल्लाह ताला ने यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से हमें बताया ताकि हम इस चीज़ से कराहत महसूस करें और इस चीज़ से रुक जाएँ अयोहिब बुआद को्या अकुल अखी ही मै तन क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए भाई भी कौन सा मरा हुआ भाई और बहनों की जान होता है भाई भाई को ज़रा तकलीफ़ में हम नहीं देख सकते वो भाई जो मुर्दा हो उस मुर्दे भाई के गोश्त को काट काट कर मज़े लेकर खाना कोई पसंद करेगा अल्लाह ताला ने खुद फरमाया करह तुम हो तुम्हें इस चीज़ से कराहत आएगी तुम इसके गोश्त को खाने से नफरत करोगे तुम्हें पसंद नहीं आएगी तो जिस तरह तुम अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाने से नफरत करते हो उसी तरह इस ग़ीबत से भी नफरत करो उसका भी अंजाम इतना ज़्यादा है और देखें एक जबान जबान की एक बोल जबान से जो एक ईबत करते हैं बिना सोचे समझे कोई बात कर देते हैं या सोचे समझे ही क्यों ना हो लेकिन इस एक ज़बान की ग़लती की वजह से क़्यामत वाले दिन सारे जिसम को इसकी आ, इसका गुना का जो असरात है वो भुगतना होगा इसका अंजाम सारे जिसम को भुगतना होगा तो इंसान को बहुत एहतियात से अपनी ज़बान को इस्तेमाल करना है जो पिछले हमने लेसन में सीखा था अगर ख़ैर है तो कहें वरना फिर खामोश हो जाए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया देखिए ये जो तीन अहकाम यहाँ पर बताए गए हैं वो करना आसान नहीं है लेकिन हाँ एक शख्स के लिए आसान है और वो कौन कर सकता है व तखुल्ला और डरो ताला से याद रखो तुम्हें अल्लाह ताला का डर ही सीधा रख सकता है और इस बात को भी याद रखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी हदीस बयान फरमाई है तिरमीधि में मुसलमान सारे का सारा इसका माल इसकी इज़्ज़त और इसका ख़ून दूसरे मुसलमान के लिए हराम है आदमी के लिए इतनी बुरा ही यानी इतनी बुराई ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर अपने से कमतर समझे। हराम फरमाया कि उसका माल भी हराम है उसकी इज़्ज़त भी हराम है उसका ख़ून भी हराम है अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी का माल जाके लूट कर नहीं लेकर आता है पता है कि माल हराम है किसी को जाके के कत्ल भी नहीं करता क्योंकि पता है कि ये भी हराम है इसी तरह उनकी इज़्ज़तें भी हराम हैं उनकी इज्जतों को हर जगह उछाल नहीं सकते अब वो बेचारा वो इंसान किसी महफ़िल में ख़ुद तो मौजूद होता नहीं है अब सब मिल के उसके बारे में शुरू कर देते हैं कोई उस बेचारे को डिफ़ेंड करने वाला नहीं होता है इसीलिए लिए ए मोमिन हमें चाहिए कि जब किसी भी महफ़िल में अगर किसी एक मोमिन जो वहाँ पर मौजूद नहीं है उसकी बुराई चल रही है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको डिफेंड करें क्योंकि वो ख़ुद बेचारा वहाँ पर है नहीं अपनी सफ़ाई देने के लिए तो मैं अपने उस मोमिन भाई और बहन को मैं डिफेंड करूँगी मैं खड़ी रहूँगी और मैं उसको वहाँ पर उसकी सफ़ाई दूँगी यानी उसकी बुराई करने से लोगों को रोकूँगी तो याद रखें कि ऐसी महफ़िलें जहाँ पर ज़्यादा आपको महसूस होता है किबतें चलती हैं तो ऐसी महफ़िलों से दूर रहें अक्सर महफ़िलों में यही होता है एक चार पांच बैठेंगी उस चार पाँच में से जब एक उठ कर जाता है ना तो वो चार जो एक उठ कर गया था उसके बारे में गीबत शुरू करती है अब ये चारों बातें करेंगी वो चारों में से जब एक उठ कर चली जाती है अब ये जो तीन बची हैं तो वो जो छोड़ कर गई है महफिल उसके बारे में गीबत शुरू कर देते हैं तो याद रखें कि ऐसी महफ़िलें जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीबतें होती हैं तो इन ऐसी महफ़लों से दूर रहें और अगर अल्लाह ताला ने जैसे फ़रमाया व तखल्ला और याद रखो अल्लाह ताला से डरो क्योंकि अल्लाह ताला का डर ही हमें इन बुराइयों से रोक सकता है इन अल्लाह बेशक अल्लाह रहीम अल्लाह ताला बहुत ही तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम करने वाला है। अगर तुमसे ये पहले हो चुका है अगर तुम पहले किसी की तजस करते रहे हैं गिबत करते रहे हैं या बदगुमानिय तुमने पाली हुई थी तो अब क्या करो अल्लाह तला के सामने तोबा करो बाज़ आ जाओ वो चीज़ों से और पुख्ता इरादा करो कि आइंदा फिर ऐसे नहीं करूँगी और गिल्टी फ़ील करें नदामत फ़ील करें कि ये जो मैंने किया था ना बहुत बुरा और ग़लत किया था आइंदा नहीं करूँगी और फिर उसी मजलिस में जिस मजलिस में आपने जिसकी गीबत की थी अब उसी मजलिस में उन्हीं लोगों के सामने उस शख़्स की फिर अब आप तारीफ़ करें ये कफ़ारा होगा अगर किसी की गीबत हमने की है अगर अपने पास्ट में माजी में हमने बहुत सारे लोगों की अगर गीबत की है तो अब हम क्या करें तो पहली बात अगर वो इंसान को नहीं पता कि आपने उसकी की थी तो अब आप क्या करें उस शख्स के लिए उसकी मफफ़रत की दुआ करें ठीक है और फिर उस उसी महफ़िल में उन्हीं लोगों के सामने इसकी तारीफ़ करें अगर उस शख्स को पता है कि आपने उसकी की है वो जानता है कि आपने उसकी की है तो ऐसी हालात में फिर उससे भी माफ़ी मांगे लेकिन अगर कोई इंसान को नहीं पता कि आपने उसकी की है तो अब आप जाके उससे माफ़ी मांगेंगे तो वो हो सकता है वो मालूम होने के बाद जानने के बाद और ज़्यादा नाराज़ हो जाए ना इतफाकियाँ बढ़ जाए तो अगर उसको नहीं पता आपनेबत की है तो चुप रहें उसको जाके ना बताएँ लेकिन नदामत गिल्टी फ़ील करें उसके लिए इस्तार करें उसकी तारीफ़ करें और ऐसी महफिलों से भी दूर रखें तो इन नेक्स्ट ऑडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी वो कौन से कंडीशंस या हालात है जहाँ पर जायज़ है कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर अल्लाह यानी दीन में हमें गुंजाइश दी गई है कि वहाँ हम गिबत यानि किसी की पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वाकई हमें ये बड़ी बड़ी जो तीन अखलाक़ी बीमारियाँ हैं अल्लाह ताला इनसे हमारी हिफाज़त फरमाएँ सूरतुल हुजरात आयत नंबर थर्टीन जैसे लास्ट ऑडियो में लास्ट लेसन में आ, हम बात आगे वहीं पर रोक दिए थे गीबत की वो कौन सी सूरतें हो सकती हैं जहाँ परीबत करना जायज़ है तो इन पहले हम ये बात को मुकम्मल करते हैं फिर उसके बाद आयत नंबर थर्टीन पर जाते हैं तो वो कौन सी सूरतें हैं जहाँ गबत करना जायज़ है सबसे पहली मजलूम के लिए जायज़ है अगर किसी पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और वो किसी हुक्मरान के पास या कोई ख़ासी या कोई स्कॉलर या इमाम या कोई पुलिस ऑफिसर के पास कोई जिसके पास ताकत हो उस जुल्म को रोकने की तो उसके पास जाकर अगर उस शख़्स की बुराई करे और उसकी नीयत ये है कि उसको सज़ा मिले जो जुल्म कर रहा है और इस शख़्स को इंसाफ़ मिले तो सबसे पहली चीज़ एक मज़लूम को जायज़ है कि वो गीबत करे ताकि उसे इंसाफ मिल सके और दूसरा किसी बुराई को ख़त्म कर के लिए यानी कोई इंसान ऐसा है बदकिरदार है गुनागार है बुरा है तो उसको नेकी की तरफ़ लाने के लिए ये किस तरह करें कोई ऐसा शख्स जिसके पास ये ख़ुवत हो ये ताक़त हो कि उस शख्स को रोक सके उस बुराई से तो वो उसके पास जाकर कहे कि फ़लाँ शख्स ये बुराई कर रहा है तो आप प्लीज़ उसको रोकें तो उस शख़्स को जाके बता सकते और नीयत क्या हो कि वो इंसान बुराई से रुक जाए और तीसरा फतवा हासिल करने के लिए जैसे कोई इंसान किसी मुफ़्ती के पास जाए और जाके कहें कि आ, मेरे बाप ने या मेरे भाई ने या मेरे खाविंद ने या कोई भी फ़ला फला, फला शख़्स ने मुझ पर इस तरह जुल्म किया है तो अब ये सवाल मुफ्ती से पूछते हैं कि क्या उसे इसका हक़ हासिल है यानी क्या वो मुझ पर इस तरह जुल्म कर सकता है अगर नहीं तो फिर वो मुफ्ती से सवाल करे कि फिर इससे इस जुल्म से बचने के लिए इस जुल्म को टालने के लिए में मुझे अपना हक़ लेने के लिए फिर क्या तरीक़ा इस्तेमाल करना चाहिए तो तीसरे नंबर पर फतवा हासिल करने के लिए लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीक़ा ये है अफज़ल तरीक़ा यह है कि बिना नाम लिए के ये मत कहें कि मेरा भाई या मेरा खाविंद या आ, मेरा बाप या मेरी बहन बिना नाम लिए के इनडायरेक्टली सवाल पूछ लें मुफ्ती से जैसे कि फ़लाश शख्स यानी आ, इस तरह का अमल करता है तो उसके साथ क्या मामला किया जाए ठीक है और चौथे नंबर पर मुसलमानों के साथ खैरखवाही करने के लिए ग़ीबत कर सकते हैं याद रखें अगर कोई शख्स मशवरा लेता है आपसे तो ये ज़रूरी है कि कोई भी बात ना छुपाई जाए बल्कि खैरख्वाही की नीयत से तमाम बुराइये बयान कर दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी ब्याह हाँ का मामला हो अगर अगर आपको पता है कि लड़की हो या लड़का हो आपको पता है कि बद किरदार है या अखलाक सही नहीं है या कोई भी ऐसी बात है तो आप एक ख़ैर की नीयत से आप जाके बता सकते हैं कि फ़ला लड़का या लड़की में ये इस तरह की बात है इसी तरह अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं कोई कारोबार है और आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में वो बिज़नेस शुरू किए हैं और जो पार्टनर है वो फ्रॉड है उसमें अमानतदारी नहीं है तो आप जानते हैं इस बात को तो आप जाके इसको अलर्ट कर सकते हैं कि देखिए आप जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो वो फ़ला शख़्स जो है अमानत दार नहीं है इसी तरह अगर कोई घर ख़रीदते हैं और आपको पता है कि वो घर जहाँ ख़रीद रहे हैं वहाँ के पड़ोस जो है हमसाए अच्छे नहीं हैं तो आप एक खैर के लिए बताएंगे कि आप बेशक घर तो ख़रीद रहे हैं देखें संभल के रहें वहाँ के पड़ोसी जो हमसाए हैं बहुत ही बुरे हमसाए हैं तो खैर के लिए आप किसी मोमिन को किसी नुकसान से बचाने के लिए आप किसी की बुराई अगीबत उनके पीछे कर सकते हैं अब इसी तरह नंबर फाइव पे देखें जब कोई ऐसा शख़्स हो जो खुल्ला खुला अलानिया गुनाह कर रहा है बिदती कर रहा है जैसे एग्ज़ाम्पल शराब पीता है सबके सामने या लोगों का माल हड़प रहा है या किसी पे जुल्म कर रहा है तो ऐसी हालत में भी इस शख्स की बुराई करना या पीठ पीछे इसके बारे में यानी गीबत करना हरा हराम नहीं कहलाएगा लेकिन वही बुराई जो वो खुल्लम खुल्ला सबके सामने कर रहा है उसी को बयान किया जाएगा उसका सारा चत्था किट्ठा नहीं खोला जाएगा उसकी सारी बुराइयों को सबके सामने जाहिर नहीं किया जाएगा तो ये कुछ आ, हालात है, हैं सूरतें हैं जहाँ पर गीबत करना जायज़ है लेकिन याद रखें याद रखें कि पहले ख़ुद श्योर हो जब तक कोई दलील आपके पास नहीं है जब तक आप ख़ुद श्योर नहीं हैं तो ये चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ें और किसी एक को राजदार बनाकर बताएं अब ये नहीं कि हर किसी को बताते फिर रहे नहीं किसी एक शख़्स को जो राजदार है जिसमें उस चीज़ की ताकत है जैसे मसलूम है तो जो जुल्म को दूर कर सकते हैं उसी को जाकर बताएं अब ये नहीं कि हर किसी को बताते फिर रहे और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि मोमिनों के बुराइयों पे उनके गुनाहों पर पर्दा डाला जाए लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे ये कंडीशंस भी बताई गई हैं जहाँ पर बत करना गुनाह नहीं है बल्कि रुखसत दी गई है चलिए बायत नंबर थर्टीन देखते हैं या ए लोगों इन्ना बेशक हमने खलकनाकुम हमने पैदा किया तुम्हें मंद व उनसा एक मर्द और एक औरत से अल्लाह ताला इस आयत में रहे हैं एक मर्द और औरत से पैदा किया यानी जब एक मर्द और एक औरत की औलाद है तो सब क्या हुए सब भाई बहन हुए बेशक अलग अलग रंग है सबके, अलग अलग बोलिए हैं सबकी शक्लें अलग है लेकिन फिर भी अलग होते हुए इस आयत में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को एक रिश्ते में बांध दिया अब सब एक ही मर्द और एक ही औरत के औलाद है यानी कौन आदम सलाम और होवा सलाम तो इंसान ये भूले नहीं कि सब की असल एक ही है सब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं व अलना कुम और हमने बना दिया तुमको को शऊबन कहते हैं ख़ानदान को वह ख़बाइला और ख़बीले। तो अल्लाह ताला फ़रमा रहे ए लोगों बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हमने तुम्हारे ख़ानदान और ख़बीले बनाए क्यों अल्लाह ताला ने ख़ानदान और ख़बीले बनाए जैसे हमें तो यही लगता है ना कि ख़ानदान और ख़बीले इसलिए हैं ताकि हम एक दूसरे की बड़ाई करें यानी मेरा ख़ानदान सबसे अच्छा दूसरे ख़ानदान को या दूसरे कबीले के लोगों को हकीर समझना और लोग इस पर बहुत फ़्र भी करते हैं जैसे कोई गोरे हैं तो कालों को कमतर समझना जो अरबी ज़ुबान बोलने वाले हैं वो उर्दू या कोई और ज़ुबान बोलने वालों को कमतर समझना तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कबीले और ख़ानदान नहीं बनाए अल्लाह फरमा रहे क्यों अल्लाह ताला ने ख़ानदान और क़बीले बनाए लीता आरफू इसका मकसद देख लें अल्लाह ताला ख़ुद फरमाें ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो असल मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने ख़ानदान और कबीले बनाए क्योंकि अरब में भी कबीलों का बहुत ही रिवाज था एक कबीला दूसरे कबीले पर कबीले पर फ़ख्र करता वो तो यानी उस ज़माने में मशरकिन मक्का और खुरीश भी किया करते थे और आज भी हम कोई पीछे नहीं हैं अपने ख़ानदानों की बड़ाई करना दूसरों के ख़ानदानों को कम समझना अपने कौम के लोगों को बढ़ के समझना और दूसरों को हकीर समझना लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि असल मकसद क्या है ताकि तुम पहचान सको एक दूसरे को पहचान अब आप इमेजिन करें अगर सारी इंसानियत एक ही जैसी होती एक ही शक्ल सूरत की एक ही जैसे कबीले और ख़ानदान से होते तो क्या एक दूसरे को पहचानना जानना आसान होता इसकी मिसाल आप देखें एक घर में दो जुड़वा बच्चे होते हैं ट्विन्स तो वो दो बच्चों में ही इतना कंफ्यूज होते समझ ही नहीं आता कि कौन यानी किससे बात की थी अभी क्यों ना मुझसे बात करके गया है वो दो बच्चों में ही हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ट्विन्स को देखकर तो कहाँ अगर सारी इंसानियत एक ही जैसी होती एक ही शक्ल सूरत और एक ही कबीले के होते तो इस तरह एक दूसरे को जानना आसान नहीं होता ये इख्तलाफ जो है ज़ुबानों में है रंगों में शक्लों में नस्लों में ये एक डाइवर्सिटी है देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह रंग बिरंगे लोग पैदा किए वरना कैसे पता चलता अगर कोई बताना चाहता कि मैं ये कौन है तो उसके लिए मुश्किल होता तो अल्लाह ताला ने ख़ानदान और कबीले इसीलिए बनाए ताकि एक दूसरे को पहचाने लेकिन आज हमने क्या कर लिया आज हमने इसको क्या बना लिया ख़ानदान और कबीलों को बड़ाइयों का फजीलतों के लिए अपनी बड़ाई दिखाने के लिए कि मेरा ही कबीला बेस्ट है मेरा ही ख़ानदान बेस्ट है हालांकि इस्लाम हमें ये तालीम नहीं देती अल्लाह ख़ुद फ़रमा रहे हैं लेकिन हिंदुओं के साथ साथ रह कर उन जैसी चीज़ें हम में भी आ गई है उनमें जैसी ऊंची उन ज़ात के लोग अगर है तो छोटी जात के लोग के साथ वो बैठना पसंद नहीं करते उनके साथ खाना पीना उठना बैठना पसंद नहीं करते ये चीज़ें आज हम में भी आ गई है जो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं जो अच्छे ख़ानदान वाले हैं वो बिल्कुल अपने से छोटे ख़ानदान वालों को या ग़रीब लोगों को ऐसे समझते जैसे उनकी कोई हैसियत ही नहीं है तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये तो जस्ट एक पहचान के लिए है और साथ में इतनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने बताई असल देखें इ ना बेशक अक्रमकुम बेशक ज़्यादा इज़्ज़त वाला तुम में से इन ही अल्लाह के यहाँ असल बात देखें कि अल्लाह ताला खुद बता रहा है अल्लाह ने फ़ैसला सुना दिया तुम्हारी नज़रों में लगता है कि ये ख़ानदान वाले बहुत अच्छे हैं ये कबीले वाले बहुत अच्छे हैं नहीं अल्लाह ताला ने खुद फ़ैसला सुना दिया इस आयत में अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है अत जो ज़्यादा तखबे वाला है तुम में से जो ज़्यादा परहेज़गार है तो अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वही है जिसमें सबसे ज़्यादा तखवा है जितना ज़्यादा उसका तखवा उतना ही ज़्यादा उसकी अल्लाह ताला की यहाँ कीमत है उतना ही ज़्यादा उसका रुतबा ज़्यादा है उतना ही वो इज़्ज़त वाला है तखवा जो है दिल के अंदर है जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफ़े दिल की तरफ इशारा करके फ़रमाया अ तखवा हा हुना अ तखवा हा हुना तखवा यहाँ है तो तखवा दिल में होता है और दिल के हालात अल्लाह तला के सिवा कोई नहीं जानता तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन किस में ज़्यादा तखवा है किस में कम तखवा है ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानते हैं और तखवा है क्या अल्लाह ताला का डर अल्लाह ताला का डर इस तरह कि वो डर की वजह से गुनाहों से रुक जाना अल्लाह ताला का ऐसा डर और अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत कि उस मोहब्बत में फिर नेकियों करने में आगे बढ़ना लेकिन हमारे जैसा डर नहीं जबान से तो हम बहुत कहते हैं अल्लाह से हम डरते हैं अल्लाह से हम डरते हैं लेकिन अगर हमारी अमलों की तरफ़ देखें हमारी ज़िंदगियों की तरफ़ देखें कहीं से नहीं लगता कि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं दिन की शुरुआत से ही पता चल जाता है फ़जर की अज़ान पे फजर की नमाज में ही सब पता चल जाता है कि कितने तखवे वाले हैं अगर अल्लाह ताला का डर होता तो ये डर ज़रूर बिस्तरों से उठाता अल्लाह की नाराज़गी का डर अगर होता तो अपनी नींद को कुर्बान करके वो ज़रूर फ़जर की नमाज़ के लिए अपने रब के सामने खड़े होता और अपनी दिन का आगाज़ अपने रब को राज़ी करके करता तखवा तो है ही नहीं हमारी जिंदगियों में बस नाम का डर हमने रखा हुआ है ये किस तरह का डर है जो हमें बुराइयों से नहीं रोकता ये कि किस तरह का हमारे में तखवा है डर है जो हमें नेकियों की तरफ़ नहीं ले जाता तो हमें इस पर काम करना है अपने तखवे की तरफ कोशिश करें कि इस तखवे को बढ़ाएँ अल्लाह का डर अपने में पैदा करें और हर चीज़ में चेक करें कि मुझ में तखवा है कि नहीं अब आप देख लें हमें डर तो हमें एक मिसाल देख लें आग से कितना डर है और वो आग की डर की वजह से क्या हम आग के करीब जाते हैं अगर घर में आग भी लग जाए तो घर की सारा सामान छोड़कर हर चीज़ छोड़ के बाहर निकल जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए क्योंकि आग का इतना डर है वो डर की वजह से सब छोड़ के भाग निकलते हैं इसी तरह किसी को सांप का डर होगा या किसी को अंधेरे का डर होगा ये डर जो दुनिया वाले डर है ये डर तो हमसे बहुत कुछ करवा लेता है और अल्लाह ताला का डर हमारे लिए इतनी मामूली सी बात है कि अल्लाह का डर हमें कोई नेक यही ही नहीं करवाता अल्लाह ताला का डर हमें कोई बुराइयों से ही नहीं रोकता तो हमें तखवा के लिए दुआ भी करना है अल्लाह उम हुदा व वल व्फ़ाफ़ वलना अला में सवाल करती हूँ अल्लास अलहुदा हिदायत का व तख़ा और तखवे का तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए तखवा और हो सकता है इस दुनिया में हम किसी को बहुत इज़्ज़त वाला समझ रहे हैं बहुत ही अच्छा इंसान इज्जत वाला समझ रहे हैं और अल्लाह के यहाँ हो सकता है उसकी कोई इज़्ज़त ना हो और एक इंसान को हम समझते हैं कि इसकी कोई क़दर वीमती ही नहीं है उसकी तरफ हम कोई आ, देखते ही नहीं हैं कि इसकी कोई हैसियत भी हो सकती है और हो सकता है अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी यानी मुक़ाम है अल्लाह ताली के यहाँ उसकी बड़ी इज़्ज़तें हैं तो असल मियार जो है वो तखवा है आ, मुस्लिम की हदीस रसूल वसल्लम ने फ़रमाया बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमलों को देखता है अल्लाह तो सूरतों की तरफ देखता है ना मालों की तरफ अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाया और हम क्या देखते हैं रिश्ते करना अगर हो दोस्तियाँ किसी से करना हो तो हम क्या देखते हैं सूरत और माल जितना ज़्यादा माल वाला इंसान होगा मालदार लोग होंगे तो उनके साथ उठना बैठना भी लोग पसंद करते हैं उनके साथ दोस्तियाँ करना भी पसंद करते हैं अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई कदर वीमत नहीं है ना अल्लाह सूरत देखता है ना माल अल्लाह दिल और अमल देखता है तो हमें क्या कोशिश करनी है अपने अमलों को अच्छा करें अपने दिल को साफ रखें ऐसा ना हो होयामत वाले दिन मैदान हशर में अल्लाह ताला के सामने जब खड़े हो तो ऐसा गला सड़ा दिल लेकर खड़े हैं जिसमें पता नहीं क्या कुछ गंदगी भरी हो और इस तरह का दिल लेकर हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे इमेजिन करें कि, कि किस तरह शर्मिंदगी होगी किस तरह शर्मिंदगी होगी यहाँ कोई एक इंसान के सामने हमारी कोई एक भी बुराई आ जाती है सामने तो हम इसको कितना फ़ील करते हैं इस चीज़ को हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बुराई किसी के सामने आ जाए और कहाँ अल्लाह ताला के सामने मैं खड़ी हूँ और मेरा दिल अल्लाह ताला देखेगा और वो दिल में लोगों के लिए हसद कीना गिबत लोगों के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग बता रहे क्या कुछ गंदगियाँ दिल में भरी हैं इस दिल को साफ़ रखना है दिल से हर किसी को माफ़ कर दे। देखें जब अल्लाह ताला से ना मोहब्बत होती है यानी सच्ची वाली मोहब्बत तो अल्लाह के सारे बंदों पर प्यार आता है वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो वो चाहे मोमिन हो भी ना हो बस ये कि ये अल्लाह का बंदा है मेरे अल्लाह ने इसे पैदा किया है जब इंसानों की तरफ़ देखते हैं तो दिल खुद ब खुद उनके लिए सॉफ़्ट हो जाता है रहम दिली आती है क्यों क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक़ है हमारा रब एक है जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो अल्लाह के सारे बंदे अच्छे लगते हैं उनसे भी फिर मोहब्बत होती है इंसानों से नफ़रत ना करें उनकी बुरी आदतों से उनके गुनाहों से नफ़रत करें इंसान से नफ़रत ना करें तो अल्लाह ताला तो दिल देखने वाला है और ये चीज़ हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं ये जरासीम कहें ये बीमारी कहें कि अगर कोई बच्चा आ, कोई गरीब से बच्चे से दोस्तियाँ कर रहा है या इस तरह है तो हम ख़ुद उसको ताँटते हैं कि ये तुमने किस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं गरीबों के साथ उठना बैठना मस्किनों के साथ उठना बैठना उनके साथ मामला करना हमें बहुत ही एक ऐसी बात लगती है कि इसमें पता नहीं हमारी इज़्ज़त कितनी चली जाएगी ये जहालत की बात है हालांकि हमें चाहिए कि ग़रीबों और मुस्किनों के साथ हम ज़्यादा खैर करें जब उनके साथ हम ज़्यादा उनके साथ उठते बैठते हैं तो आजीसी आती है ज़िंदगी में फिर शुक्रगुजारी भी आती है लेकिन हम अपने से कम वाले लोगों में ना उठना बैठना पसंद करते हैं ना दोस्तियाँ करना पसंद करते हैं हम तो अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं फिर जब उनके साथ हमेशा वक्त गुजारते हैं उठते बैठते हैं तो फिर ही बनते हैं उनके पास इतनी नेमतें हैं उनको देख देख कर फिर हम यहाँ पे जलते सड़ते रहते हैं तो कोशिश करें कि अपने से कम वालों के साथ उठे बैठें और हर किसी को इज़्ज़त दें। पता नहीं अल्लाह के यहाँ किसकी क्या इज़्ज़त है और अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है जो ज़्यादा तखबे वाला है फिर अल्लाह ताला ने इसी आयत में फ़रमाया अलीम ख़बीर बेशक अल्लाह ताला अलीम है इल्म वाला है और खबीर खूब जानने वाला है अल्लाह ताला को अंदर की हर छुपी बात पता है वो हर बात को जानता है कि तुम में से कौन बेहतर है तुम तुम में से कौन इज्जत वाला है कौन इज़्ज़त वाला नहीं है अल्लाह ताला को हर बात का इल्म है तो इन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला का डर ऐसा डर हो जो रियल माने में डर होता है वो डर फिर हमें बुराइयों से रोके सूरतुल हजरात आयत नंबर फोटीन से इस आयत में हम मोमिन और मुस्लिम में फ़र्क देखेंगे कि मोमिन कौन होते हैं और मुस्लिम कौन होते हैं तो वर्ड टू वर्ट ट्रांसलेशन सेलत कहा आ ने उस वक्त के जो बद्दू लोग थे देहाती लोग उन्होंने कहा आमन्ना हम ईमान ले आए वो अल्लाह ने यहाँ पर उनकी इस बात को वाजे करते हुए फ़रमाया कह दीजिए कुल आप कह दीजिए लम नहीं तो मीनू तुम ईमान लाए तुम ईमान नहीं लाए वला किन लेकिन किन बल्कि तुम ये कहो असलम हम इस्लाम ले आए वलम् और अभी तक नहीं यद खुलिल ईमाना दाखिल हुआ ईमान फ़ीलू भी कुम तुम्हारे दिलों में तो देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ तो यहाँ से हमें पता चला कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क है और इसका वाज़ फ़र्क हम समझ सकते हैं हदीस जबरील से हज़रतमर बिन ख़ब रज़ी अल् तू से रिवायत है कि एक दिन हम सहबा रसूल सलील वसम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख़्स सामने आया जिसके कपड़े नहायत सफ़ेद और बाल बहुत ही ज़्यादा सियाह थे और इस शख्स पर सफ़र का कोई असर भी मालूम नहीं होता था कि वो कोई मुसाफिर हो जो बाहर से आया हो क्योंकि जो लोग सफ़र करके आते हैं तो उनकी कपड़े भी आप देखें आ, रिंकल्ड हो जाते हैं मैले हो जाते हैं बाल भी थोड़े से बिखरे हुए होते हैं लेकिन ये शख़्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आया था ना तो उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका लिबास भी एकदम सफ़ेद तो वो महफ़िल में दाखिल हुआ और वो आकर बैठ गया और जितने भी लोग उस महफ़िल में थे वो बिल्कुल इस शख्स को नहीं जानते थे यानी वो शख़्स उनके इलाक़े से नहीं था और देखने में ये भी नहीं लगता था कि ये मुसाफिर हो सकता है क्योंकि मुसाफिर के देखें आप चेहरे से कपड़े से पता चल जाता है कि ये मुसाफिर है थकान या उसके कपड़ों को देख अंदाज़ा हो जाता है तो ये क्या किया ये आया ये शख्स और रसूल सल्ला वम के सामने आकर बैठ गया अपने घुटने रसूल सल सल्ला वसम के घुटनों से मिला दिए और अपना हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए इस्लाम क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इस्लाम ये है कि तुम इबा तुम शहादत दो अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वसल्लम अल्लाह के रसूल है नमाज़ क़ायम करो ज़क़़त अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो और हज बैतल्ला जाने का अगर ख़र्च पास हो उसका तो हज करो तो इस आ, उस शख़्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर कहा आपने सच फरमाया तो हजरत उमर उसी मचलीस में बैठे थे हजरत उमर रदी तनों कहते हैं कि इस पर हमें बड़ी हैरत हुई कि खुद ही सवाल करता है और जब, जब जवाब इसको बताया जाता है तो कहता है कि हाँ बिल्कुल सच फरमाया फिर उसने आ, सवाल किया कि ए मोहम्मद सलिल्ला वम मुझे ईमान के बारे में बताएं कि ईमान क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ईमान यह है कि तुम अल्लाह को उसके फरिश्ते फ़रिश्तों उसकी किताबों उसकी रसूलों कियामत के दिन और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखो तो जब ये बताया तो वो यानी फिर से उसने यही कहा कि हाँ बिल्कुल आपने सच फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उसने सवाल किया कि अच्छा आप ये बताएं कि एहसान के बारे में बताएं कि एहसान क्या होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम इसको देख रहे हो और अगर ऐसा ना कर सको तो फिर ये ध्यान रखो कि वो यानी अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है और वो शख़्स जबरील सलाम थे जो दीन सिखाने आए थे तो अल्लाह ताला यहाँ पर इन बदू लोगों को फरमा रहे हैं कि तुम तो अभी बस इस्लाम लेकर इस्लाम में दाखिल हुए हो बस अपने आप को तुमने सबमिट किया है इस्लाम क्या होता है जाहिरी आमाल यानी आप जो जाहिरी तौर पर करते हैं शहादत दिना नमाज़ रोज़ा ज़क़ात ये एक ज़ाहरी आमल है लेकिन ईमान दिल की कैफियत का नाम है ईमान दिल में होता है एक पुख्ता यकीन और ईमान की कैफियत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है कोई नहीं बता सकता कि किसके दिल में कितना ईमान है ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को बताया गया कि अभी ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल हुआ ही नहीं क्योंकि अगर ईमान होता तो फिर इस तरह अपने नेकियों का अपने आ, अमल का लोगों को जताते नहीं उसका एहसान नहीं जतलाते उस पर फ़ख्र नहीं करते तो जैसे इस इन लोगों ने आके क्या कहा था कि हम तो देखें ईमान लेकर इस्लाम लेकर आए हैं अरब लोगों ने तो आपसे जंग भी की और हमने आपसे कोई लड़ाई कोई जंग नहीं की तो वो एक आकर एक अपने आप को एक फ़खर भी था उनमें एक जैसे एहसान जतला रहे हैं तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन तहाती लोगों को आदाब सिखाए इनको कि अपनी ईमान का दावा अभी नहीं करो अभी तुम नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हो अभी कुछ वक्त गुजरेगा फिर उसके बाद ईमान में तरक्की आएगी तो यहाँ इन देहाती नए जो मुसलमान थे अभी अभी जो इस्लाम में दाखिल हुए उनको अदब सिखाया गया है और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुनाफ़ों के बारे में मुनाफि किस तरह हुआ करते हैं वो इस्लाम तो लेकर आते हैं जाहिर सारे अमल करते हैं जो मोमिन करते हैं लेकिन उनका दिल ईमान से ख़ाली होता है इस्लाम तो है लेकिन ईमान नहीं होता तो यहाँ पे ये देहातियों को आदाब सिखाया गया सिखाए गए कि अभी तुम बस कहो कि इस्लाम ले आए फिर अल्लाह तल यहाँ फ़रमाया व इन हाँ और अगर टुती हो तुम इतात करो अल्लाह व रसूली अल्लाह और उसके रसूल की तुम अगर इतात करोगे अल्लाह ताला की तात हम कैसे करेंगे जो क़ुरान में है उसकी तात करना अल्लाह ताला की तात है और रसूल की उसके रसूल की तात करो और रसूल की तात हम कैसे करेंगे जो हदीस में है तो अल्लाह तहाँ फ़रमा दिया अल्लाह और उसके रसूल की तुम अगर इतात करोगे ला यलित तो वो कम नहीं करेगा मिन आमाली कुम तुम्हारे आमालों में से अन कुछ भी और अगर तुम अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में से कुछ कम नहीं करेगा तुम्हारे आमाल को ज़ाया नहीं करेगा तुम्हारे जितना तुमने अमल किया है उसका अल्लाह ताला तुम्हें अजरता फ़रमाएगा इन अल्लाह बेशक अल्लाह और रहीम बख्शने वाला बहुत बखशने वाला और निहायत रहम करने वाला है क्योंकि अभी ये बदू लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो और अल्लाह ताला बेशक तुम सब को माफ़ कर देगा और तुमको तुम, तुम सब पर रहम फरमाएगा अब उसके बाद अल्लाह बताया है इस आयत में कि ईमान वाले कौन होते हैं जैसे पहले तो इस्लाम का ज़िक्र आ गया तो अब अल्लाह ताला ख़ुद फ़रमा रहे हैं आयत नंबर फिफ्टीन में इन नमा यकीमनूना सच्चे मोमिन अल्लादीना वो है जो कौन आमनु जो ईमान लाए बिल्ला ही अल्लाह पर व रसूल ही और उसके रसूल पर जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर उसके बाद क्या करते हैं वो थर्ड स्टेप तुम यरताबू फिर वो नहीं शक यानी उन्हें कोई शक नहीं होता कोई शक में नहीं पड़ते हैं बिल्कुल साबित कदम तो, कोई ज़रा सा भी शक उनके दिलों में नहीं आता कि पता नहीं ये कैसे हो सकता है पता नहीं जन्नत है कैसी होगी सही है कि भी नहीं पता नहीं मरने के बाद फिर से अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा ये कैसे हो सकता है कोई भी चीज़ में इस्लाम की कोई भी चीज़ में उनके दिलों में ज़रा सा भी शक नहीं कोई हेसिटेशन नहीं ये है सच्चे ईमान वाले जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें बता दिया बस ये फ़ाइनल बात हो जाती है उनके लिए अब उस पर वो जम जाते हैं और उस पर पूरा यकीन होता है उनको और क्या करते हैं वो व और उन्होंने जिहाद किया जिहाद यानि स्ट्रगल करना अटमोस्ट्रगल अपने आप को खपा देना दिलो जान से मेहनत करना लगा देना अपने आप को बी अम वालम व अनफुसिहम अपने मालों और अपनी जानों के साथ और ये लोग जिहाद करते हैं मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं स्ट्रगल करते हैं अपनी जानों के साथ भी और अपने मालों के साथ भी जो जो चीज़ इस्लाम के लिए ज़रूरी होगा ईमान के लिए ज़रूरी होगा वो सब चीज़ें अल्लाह के रास्ते में वो लगा देते हैं जान लगाना हो वो भी लगा देते वक्त लगाना है सलाहियतें लगाना है अपनी जवानी लगाना है इल्म लगा देना है अपना या बच्चों को लगाना है हर चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में लगा देते हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं अल्लाह ताली हमें भी ऐसा बना दें कि अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बन जाएं और इसके बदले में अल्लाह की रज़ा हमें हासिल हो जाए तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया तो यही लोग हैं हम उस पक्के सच्चे ईमान वाले अल्लाह ने ख़ुद बता दिया कौन है पक्के ईमान वाले जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लेकर आए और फिर कोई इनके दिलों में शक नहीं आता हर बात पर वो ईमान ले आते हैं और फिर जिहाद करते हैं अपने नफ्सों के साथ और अपने माल के साथ अल्लाह के रास्ते में हर चीज़ लगा देते हैं अब हमें भी थोड़ा अंदाज़ा यानी अपने आप को देखना चाहिए कि हम अल्लाह ताली की रज़ा हासिल करने अल्लाह ताली की खुशनजी हासिल करने हम क्या लगा सकते हैं वक्त वो भी हम नहीं लगा सकते वो तो हमें अपने कामों के लिए ही नहीं बराबर यानी पूरा पड़ता बच्चे बच्चों को तो हमने दुनिया की चीज़ों में ऐसे लगाया हुआ है कि बच्चों को दीन के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम दीन के लिए बच्चों को लगाएं जवानी वो तो बिल्कुल नहीं जवानी में तो दीन की तरफ कोई आना चाहता ही नहीं दीन क़ुरान और ये सब चीज़ें लोगों ने क्या सोच रखा है कि जब चालीस पचास साल के होंगे तो तब देखेंगे ना ही अपनी सलाहियतें और स्किल्स है कोई ऐसा हुनर है वो भी नहीं लगाना चाहते अल्लाह के रास्ते में वो भी अगर करेंगे तो बस ऐसे बिजनेस दुनिया कमाने के लिए तो हमें भी कुछ ना कुछ अपने माल और अपने नफसों में से अल्लाह के रास्ते में लगाना है क्योंकि फिर यही सच्चे पक्के ईमान वाले हैं अल्लाह की नज़र में तो अब पता चल गया ईमान वाले कौन होते हैं अल्लाह ताली हमें उनमें शामिल कर रहे आयत सिक्सटीन देखते हैं कुल आप कह दीजिए अत अमोन अल्लाह क्या तुम ख़बर देते हो अल्लाह को बी ही कुम अपने दीन की क्या तुम अल्लाह ताला को जट जतलाना चाहते हो क्या तुम बताना चाहते हो कि तुम्हारे दिलों में दीन है तुम में ईमान है तुम में कितना तखवा है क्या तुम बतलाओगे अल्लाह ताला को कि तुम कितने ईमान वाले हैं अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका जवाब दिया वल्लाम और अल्लाह जानता है माफी समावाती जो कुछ आसमानों में है वाफिल और तो जो कुछ ज़मीन में है वल्ल व शीन अलीम और अल्लाह ताला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है तुम्हारे बतलाने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि तुम में कितना ईमान है कितना तखवा है तुम कितना इस्लाम में दाखिल हो गए हो, हो। अल्लाह ताली इसको बाखूबी जानता है अल्लाह तल की तो ज़ात वो है वो तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को जानता है कोई चीज़ उससे नहीं छुपी तो तुम्हारी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है जो तुम आके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हो कि हम या रसूल्ला ईमा इस्लाम लेकर आ गए अरब तो देखें अभी तक ईमान भी नहीं लाए उन्होंने तो आपसे जंग की तो तुम्हें बतलाने की ज़रूरत नहीं है फिर आयत सेवेंटीन में अल्लाह ने फ़रमाया या न वो देहाती एहसान जताते हैं अलई का आप पर या रसूल अल्लाह असलमू के वो इस मुसलमान हुए हैं वो आकर आपको ऐसे जतला रहे हैं जैसे एहसान किए हैं आप पे खुल कह दीजिए आप उनसे कह दें ला तमन्नु ना तुम एहसान जतलाओ अलई या मुझ पर ए नबी उनसे कह दो कि आकर मुझ पे कोई एहसान नहीं जतलाओ तुम्हारे इस्लाम का इस्लाम अकुम तुम अपने इस्लाम का मुझ पे आके कोई एहसान नहीं जतलाओ बल हो बल्कि अल्लाह ताला ने या मुन्नु अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया है अलई कुम तुम पर अन ये के हदाकुम उसने तुम्हें हिदायत ईमानी ईमान की इन कुन तुम अगर हो तुम सच्चे तो यहाँ बताया गया कि ये लोग आप पर एहसान करते हैं कि मुसलमान हो गए कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान ना करो असल बात अल्लाह ताला ने इन पर एहसान किया अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो तभी तो ये इस्लाम कबूल कर सके तो इसका फ़ायदा किसको होगा इन्हीं को फ़ायदा होगा तो एहसान जतलाने से क्या आप कोई हासिल बात तो नहीं है इसमें असल बात तो ये कि अल्लाह ने इन पर एहसान किया है तो यहाँ क्लियर उनको बता दिया गया अगर इस्लाम लाए हो तो अपने फ़ायदे के लिए लाए हो इसका अजर भी तुम्हें ही मिलेगा तो देखें कई दफ़े इस तरह होता है कि मौख़ा भी इंसान के सामने है अपॉर्चुनिटी भी है वो नेकी कर भी सकता है वो बस में है उसके कि वो नेकी कर सके लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इरादा करते हुए भी मौका होते हुए भी वो नेकी को नहीं कर पाता जब तक अल्लाह ताला उस इंसान को तोफ़ी ना देबाब बना के उसके लिए आसान ना कर दे कोई आगे बढ़ कर नेकी कर ही नहीं सकता नेकी का करना भी ये एक अल्लाह ताला का हम सब पर एहसान है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हम कर सकें हम देखें अपनी जिंदगियों में कितनी चीज़ों का एहसान जतलाते अगर कोई कुरान सीख रहा है तो घर वालों पे उस इतना जताते हैं कि जैसे कितना बड़ा एहसान घर वालों पर कर रहे हैं और इसी तरह कई नेक काम हम ज़ाया कर देते हैं एहसान जतला कर तो यहाँ अल्लाह ताला, ताला ने उन बदुओं से क्या फ़रमाया अगर तुम इस्लाम लाए हो तो इसका फ़ायदा तुम्हें ही होगा इसी तरह हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी नेकी किसी के लिए करते हैं तो हम कोई उन पर एहसान नहीं करते बल्कि इसका फ़ायदा हमें ही होगा लेकिन अल्लाह हमें माफ़ करे हम छोटी छोटी सी नेकियाँ करके लोगों की छोटी छोटी सी मदद करके इतना एहसान जतलाते हैं या तो हम अपनी नक एहसान जताकर बर्बाद कर लेते हैं या फिर रियाकारी शो ऑफ करके पता नहीं हमारी इतनी नेकियों में से कितनी बाकी है कितनी ज़ाया हो गई हमें ख़ुद नहीं पता अल्लाह ताला हमारी नेकियों को संभाल कर रखें कि कि़्यामत वाले दिन कुछ नेकियां हमारे हाथ भी तो लगे ऐसा ना हो कि सारी नकियाँ इस दुनिया में या रिया तो रियाकारी करके ख़त्म कर दी हमने या तो फिर एहसान जतला कर हमने ख़त्म कर दिया आप देखें अगर कोई किसी के घर में शादी वाला घर है शादी है तो उस घर में अगर कोई मदद करते हैं तो कितना एहसान जताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी बेटी की शादी में कितनी मदद की थी इसी तरह अगर कोई हॉस्पिटल में है बीमार है तो उसको अगर मदद करते हैं खाना बना कर ले जा रहे हैं या उसके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं तो वो फिर उसको कितना जतलाते हैं कि देखो मैंने तुम तुम्हारी कितनी मदद की थी तुम बीमार थी हॉस्पिटल में थी तुम्हारे बच्चों को मैंने देखा तुम्हें खाने बना बना कर ला कर मैंने दिए और कितनी दफ़े लोगों को कहते हैं कि मुझे ख़ुद इतनी ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की मैं ख़ुद इतनी मुश्किल में थी लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की तो हम ये बातें बतला कर ये जता कर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमने एहसान किया उन पर यह तो हमने अपने लिए अच्छा किया कि, कि किसी के काम आकर एक नेकी करके हमें अजर कमाने का मौका मिला और इसका फ़ायदा हमें ही होगा तो प्यारी बहने पहले हम खुद डिसाइड कर लें जो हम नेकी के अमल करते हैं क्या वो अल्लाह के लिए होते हैं या इन रिटर्न फेवर हम चाहते हैं इसीलिए हम उनकी मदद करते हैं अब देखिए खुद ही हम कहते हैं मैं उसके इतने काम आई और वो इतनी खुद निकली आज मुझे उसकी ज़रूरत है तो वो मुझे पलट कर नहीं देखती तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको जब मदद की तो ये लालच में की कि जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो वो मेरे काम आएगी इसीलिए जब वो काम नहीं आती तो दिल को बड़ा अफसोस और तकलीफ़ होती है कि उसने मेरी मदद ही नहीं की मैं तो उसके इतने काम आई तो बेलॉज़ होकर मदद करना सीखें अगर अल्लाह के लिए की है ना तो अल्लाह ज़रूर इसका जड़ देगा तो अब नेक्स्ट आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया अल्लाह ताला ने तरमाया इन अल्लाह समावल बिलाशुबा अल्लाह ताला जानता है छुपी बातों को आसमानों और ज़मीन की बातों को वल्लाहु बसर और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है भी माता मलून जो कुछ तुम अमल करते हो तो याद रखें कि हमें बल बढ़ चढ़कर जिस तरह बदू लोग आए थे अपने ईमान का दावा करते हुए कि हमारे पास देखिए हम इस्लाम ले आए हैं दावा करना दावे करना कोई मुश्किल बात नहीं है आज मैं और आप भी बड़े बड़े दावे करते हैं हम कि मैं ये कर कि मुझे वक्त मिले मैं इस तरह करके दिखाऊँगी मुझे तो अल्लाह और रसूल से इतनी मोहब्बत है दावे करना कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन पूरे करके दिखाएँ उलाई कहम उस सादिखून उस कैटेगरी में आ जाए जो दिलो जान से अल्लाह ताला के रास्ते में अपना सब कुछ लगाते हैं और इससे हमने ये भी सीखा देखें कि जब आप किसी को नसीहत करते हैं कोई अच्छी बात की तरफ़ आप किसी को बुलाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है हमें ना बताओ हमें पता है हमारे में कितना ईमान है हम खुद जानते हैं हम फला ये नेकी भी करते हैं हम देखें कुरान भी पढ़ रहे हैं हम ये भी कर रहे हैं हमें ना बताओ हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ईमान है हमें तो कोई भी दावा कर ही नहीं सकता कि वो ईमान वाला है बल्कि सच्चा ईमान वाला आपको पता है वो तो इतना आजिज़ होता है उसको लगता है कि उससे बड़ा गुनाहगार तो कोई हो ही नहीं सकता जो सच्चा ईमान दिल में होता है ना ये इंसान को झुका देता है यह इंसान को हम्बल बना देता है वो फिर अपने नेकियों को जताते हुए लोगों को बतलाते हुए नहीं फिरता कि देखें मैं ये भी करती हूँ मैं ये भी करती हूँ देखें फिर लोगों को एहसान जतलाना लोगों को अपने नेकियों का जोम दिखाना वो ये नहीं करता चलिए की तौफीक से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूर्य को मुकम्मल किया है अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने इसमें सीखा है अल्लाह ताला उस ते हमें अमल करने वाला बनाएं और याद रखें इंसान जब फ़ौत हो जाता है तो सारे अमल के दरवाज़े कोई उस तक पहुंचती नहीं सिवाय तीन और उन तीन में आपको पता है कि नेक साल औलाद और ऐसा आ, माल जो किसी चीज़ में आपने लगाया हो जैसे कुआं खुदवाया है कहीं आ, मदरसा बनवा दिया कहीं मस्जिद बनवा दी इस तरह वाली चीज़ों में अगर आप कहीं माल लगा के गए हैं तो उसका भी आपको अजर मिलते रहता है और तीसरा ये कि ऐसा इल्म जो आपने लोगों को बताया या समझाया या सिखाया वो करते रहे हैं तो उसका अमल आपको उसका अजर आपको मिलता रहेगा तो याद रखें कि हर किसी के पास इतना माल नहीं होता कि वो मस्जिदें तामीर करवाएँ वो मदरसे बनाएँ और औलाद भी उतना ज़्यादा हम औलाद पे भी डिपेंड नहीं रह सकते हम आजकल देख रहे हैं कि औलाद हमारे जिंदा हम जिंदा है अभी फर्मा बरदार नहीं है तो क्या पता कि हमारे मरने के बाद वो हमें याद रखेंगे तो इंसान को अभी वक्त है कोशिश करके अपने सदक़ा जारिया के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए तो इल्म को आगे फैलाएं अपने आखिरत के अकाउंट्स को खोलें अपने लिए बहुत सारा सदक़ा जारिया जमा करें सुबह नकल्लाबा इलैक السلام عليكم ورحمه الله وبركاته